तो गुरु लोग साल 2021 में आई अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा तो आप सभी लोगों ने जरूर देखी होगी, जो साल 2021 में इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट हुई थी। लाल चंदन की लकड़ी को लेकर जो स्टोरी लिखी गई थी वो ऑडियंस को बेहद पसंद आया था। कई जबरदस्त एक्शन सीन के साथ इसके डायलॉग ने भी कई बवाल मचाया था। फहद फासिल को इस फिल्म के लास्ट में लाया गया था, जिन्होंने गरीब से अमीर बने पुष्पा को उसकी औकात याद दिला दिया था। खैर ये तो हुई पुरानी बातें, अब नए पर आते हैं। तो कुछ दिनों पहले पुष्पा के मेकर्स ने पुष्पा 2 का एक ग्लिम्स वीडियो रिलीज किया गया था, मगर आपने गौर किया हो तो मेकर्स ने इसके जरिए पूरी फिल्म ही दिखा दी और दिखाया नहीं है तो बस कुछ किरदारों को। तो चलिए आइए आप लोगों को मैं बताता हूँ कि पुष्पा 2 की स्टोरी क्या हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा द राइज ने बॉक्स ऑफिस पर 300 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया था। इसकी कहानी और कॉन्सेप्ट को देखकर हर कोई इसके दूसरे पार्ट का इंतजार करने लगा था। 7 अप्रैल को पुष्पा द रूल की झलक देखने को मिली। पोस्टर भी आया जिसमें वो साड़ी पहने दिखाई दे रहा है। पहले टीजर की बात करते हैं जिसमें दिखाया जाता है कि पुष्पा तिरुपति जेल से फरार हो गया है, उसे 8 गोलियां लगी है। उसके समर्थक जगह जगह विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हर कोई यही सवाल कर रहा है कि आखिर पुष्पा कहाँ है। अंत में दिखाया जाता है कि पुष्पा जिंदा है और उसका वीडियो भी सामने आता है। हालांकि टीजर में सबसे ज्यादा फनी पार्ट जो होता है वो है जंगल में शेर और पुष्पा के बीच वाला सीन, जहाँ शेर पुष्पा को देखते ही पीछे हट जाता है। भाई सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। अब ये तो हुआ पुष्पा 2 के टीजर की बात। पहले पार्ट में आपने देखा था कि फहद फासिल और अल्लू अर्जुन की दुश्मनी हो गई है, क्योंकि उसने पुष्पा को नाजायज कह दिया था। अब दूसरे पार्ट के टीजर में ये देखने को मिलता है कि जो पुष्पा है वो जेल से फरार हो गया है। पहले फहद फासिल ने पुष्पा को किसी झोलझाल के केस में अरेस्ट किया होगा, फिर उसे जेल भेजा गया होगा और उसके बाद पुष्पा को जुगाड़ करके पुलिस के चंगुल से बच निकला होगा। हालांकि इस टीजर में ना तो पुष्पा की माँ दिखी, ना रश्मिका मंदाना नजर आई और ना ही फहद फासिल, साथ ही पुष्पा का दोस्त केशव भी नहीं दिखा। बस वो गाँव वाले दिए जिनके लिए पुष्पा ने मसीहा बनकर काम किया। अब इसकी कहानी पर आते हैं। पार्ट 2 में हमें काफी कुछ नया देखने को मिलेगा, जैसे कि पुष्पा ने शेखावत से कहा था कि शरीर पर वर्दी तो होगी लेकिन उसकी कोई इज्जत नहीं करेगा। ऐसा ही आगे दिखाया जाएगा, क्योंकि गांव वालों के मसीहा को पुलिस ने जेल में डाला और फिर गोलियां बरसाई। ऐसे में हर कोई पुलिस प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल देगा। दूसरे पार्ट में रश्मिका मंदाना उर्फ श्रीवल्ली पत्नी के रूप में नजर आएंगी, शायद इनका एक बच्चा भी दिखाया जाए। इस फिल्म में पुष्पा का एक बड़ा एम्पायर खड़ा हो चुका होगा, ठीक वैसे ही जैसे KGF में रॉकी भाई का होता है। हर कोई उनका ही गुणगान करेगा। आधी फिल्म तो पुष्पा को खोजने में ही निकल जाएगा कि पुष्पा कहाँ है, वो जेल से कैसे गया और उसके पीठ पीछे आखिर क्या क्या हुआ। इसके अलावा पुष्पा द रूल में सीनू की पत्नी दक्षायणी उर्फ अनसुईया भारद्वाज भी मैदान में उतरेगी। साथ ही जॉली रेड्डी जो पहले पार्ट में अधमरा सा था वो भी फुल टू कमबैक करेगा। इसके अलावा सीनू बैकफुट में नजर आएंगे और ये सभी लोग मिलकर पुष्पा को हराना या मारना चाहते हैं। हालांकि एकाध नए विलन की एंट्री हो सकती है जो पुष्पा के काम में रोड़ा डालने की कोशिश करेगा। पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फ्लावर नहीं, और सुनने में ये आया है कि पुष्पा के मेकर्स ने अक्षय कुमार को पुष्पा में कैमियो करने के लिए अप्रोच किया है। अब ये सही है या नहीं ये तो मुझे भी ठीक से पता नहीं है, क्योंकि मेकर्स ने इस खबर को अभी तक कंफर्म नहीं किया है। मगर भाई इस फिल्म में अगर अक्षय कैमियो करते नजर आएंगे तो भाई मजा ही आ जाएगा। तो दोस्तों ये था पुष्पा 2 का मेरी तरफ से एक स्टोरी प्रिडिक्शन, और भाई इस स्टोरी को सच मत मान लेना क्योंकि ये स्टोरी एक प्रिडिक्शन है। मैंने अभी तक फिल्म नहीं देखी है, तो आप लोगों के हिसाब से इस फिल्म की स्टोरी क्या हो सकती है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।